गोरखपुर जिले में लगभग 4500 हुई जांचों में मंगलवार को कोरोना के 244 नए मरीज मिले हैं, जबकि 2 की मौत हो गई है। मरने वालों में 50 वर्षीय एक अधेड़ व्यक्ति और 25 वर्षीय युवक शामिल हैं। सीएमओ से मिली जानकारी के अनुसार कुल मिले कोरोना पॉजिटिव मरीजों में 134 शहर, 84 ग्रामीण क्षेत्रों में और 26 अन्य जगहों में शामिल हैं। अब तक कुल 11,555 मरीज मिल चुके हैं। अब तक 8,395 मरीज स्वस्थ होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज हो चुके हैं। इस वक्त जिले में कुल 3,012 एक्टिव मरीज हैं। अब तक जान गंवाने वाले मरीजों की तादाद 148 हो चुकी है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि संक्रमितों के परिजनों की जांच कराई जाएगी, साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, शहर की बात करें तो 134 नए मरीज मिले हैं। इनमें कोतवाली थाना क्षेत्र में मंगलवार को सबसे अधिक 34 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा गोरखनाथ में 17, शाहपुर में 29, कैंट में 20, तिवारीपुर में 2, रामगढ़ताल में 17, गुलहरिया में 6, चिलवाताल में 3, राजघाट में 6 मरीज मिले हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 84 नए मरीज मिले हैं। इनमें ब्रह्मपुर में 2, भटहट में 2, चरगावा 24, गगहा में 2, खोराबार 11, पाली 3, पिपराइच 1, पिपरौली 2, सहजनवा 11, सरदार नगर में 7 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अलग अलग थाना क्षेत्रों के 26 मरीज और शामिल हैं।